नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। आज सिलीगुड़ी के विधायक एवं वार्ड नंबर 24 के उम्मीदवार शंकर घोष और बाकी भाजपा उम्मीदवारों ने एसडीओ ऑफिस जाकर अपना नामांकन पत्र भरा। और इसके ठीक एक दिन पहले आपको बता दें कि माकपा के तरफ से भी अपना नामांकन पत्र भरा गया था। सिलीगुड़ी नगर निगम के 18 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के निखिल साहनी को एक बार फिर से काउंसिलर के लिए उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। गौरतलब है कि इस बार वार्ड नंबर 18 से तृणमूल कांग्रेस ने संजय शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। अलीपुरद्वार रेलवे अस्पताल में चिकित्सक पर हमले के खिलाफ स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार निर्मल चंद्र चक्रवर्ती नामक 64 वर्षीय एक मरीज को सांस लेने में तकलीफ के चलते 27 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मरीज की बीती रात को मौत हो गई। उसके बाद से मरीज के परिवार वालों ने बीती रात डॉक्टर जीवेश सरकार की पिटाई कर दी। चिकित्सक पर हमले की घटना से डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी भड़क गए। ये लोग आज सुबह से अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पुलिस एवं प्रशासन से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। साल के पहले दिन शनिवार को 2022 जलपाईगुड़ी के खरिया क्षेत्र के सारदापल्ली तिस्ता स्पार के पास लोग पिकनिक मनाते देखे गए। लोगों को उत्तर बंगाल का सौंदर्य काफी आकर्षित करता है। यहाँ के विभिन्न जगहों में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। पुरुष और महिलाएं सभी साथ में खाना पकाते और इन वादियों का लुत्फ उठाते दिखे। समाज एवं नदी संरक्षण समिति ने शनिवार को जलपाईगुड़ी का 153वां स्थापना दिवस केक काटकर मनाया। आज जलपाईगुड़ी शहर के बाबूपाड़ा घाट के विद्यार्थियों ने एक साथ जलपाईगुड़ी शहर का स्थापना दिवस मनाया। समाज एवं नदी बचाओ समिति के सदस्यों ने इस अवसर पर छात्रों में केक दिया और शुभकामनाएं दी। समिति के संयोजक संजीव चैटर्जी ने कार्यक्रम में काफी संख्या में और भी गणमान्य लोग उपस्थित थे। नववर्ष के पहले दिन लोग एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए विभिन्न जगहों में घूमने के लिए जाते हैं। सिलीगुड़ी के कुछ दूर ही स्थित है बंगाल सफारी पार्क, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी पर्यटकों को भी काफी लुभाता है। आज बंगाल सफारी पार्क में लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जहाँ कोई अपने परिवार तो कोई अपने दोस्तों के साथ लोग घूमने के लिए आए थे। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के दलसिंहपारा इलाके में लड़कियों के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मैराथन दौड़ शनिवार सुबह दलसिंहपारा पाशाखा मोड़ से शुरू हुआ और जयगांव भूटान गेट पर खत्म हुआ। मैराथन में 128 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस के जयगांव और दलसिंहपारा क्षेत्र के पर्यवेक्षक शंभू जायसवाल ने बताया कि मैराथन में गंगा राय पहले, सानिजा खातून दूसरे और सोनम दर्जी तीसरे स्थान पर रही। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुँच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका। आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। Make a successful career in nursing is now possible. My studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such a great opportunity and enroll with my studies. Thank you.